का पानी, और मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ वो गेस्ट हाउस जो बना हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वहाँ लेकर चलता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये ओवरफ्लो का जो पानी जहाँ से निकासी होता है वहाँ पे कितना दरवाज़ा बना हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों वो गेस्ट हाउस है, मैं आप लोगों को सबसे पहले वहाँ लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जस्ट उसी के नीचे बना हुआ है ओवरफ्लो के लिए जो गेट बनाया गया है एस्पेलवा, मैं वहाँ लेके आप लोगों को चलता हूँ। दोस्तों बस और कुछ ही समय के बाद हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे गेस्ट हाउस के पास, और देखते हैं कि हम लोग गेस्ट हाउस जो बनाया गया है वो कितना सुंदर बनाया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों बस और कुछ टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, क्योंकि ये हम लोग का पैदल आता है और पैदल से ही ये ब्लॉग बनाया जा रहा है। चलिए बहुत ही खूबसूरत आ रहा है गेस्ट हाउस। चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली गेस्ट हाउस के पास पहुँच गए हैं, और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है गेस्ट हाउस। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है दोस्तों कि ये जो गेस्ट हाउस जस्ट डैम के ऊपर ही बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं ये फुनाशी डैम का पानी है, और यहाँ पे काम भी चल रहा है अभी डैम का, डैम के ऊपर रोड भी बनाया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पे कैंप लगाया गया है, देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इस पहले जो गेट बनाया जा रहा है ओवरफ्लो के लिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले वहाँ लेके चलता हूँ। चलिए दोस्तों तो ये रोड वहीं पे जाता है, तो मैं धीरे धीरे वहाँ पे चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि वहाँ तो अभी तो गेट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ अभी भी काम चल रहा है, लेकिन कितना गेट बन रहा है उसका तो लोकेशन आ गया है वो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पहुँचने के बाद वो चीज़ देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस तरह वीडियो पे बने रहे। तो दोस्तों काफ़ी दूर है और पैदल चल रहे हैं तो थोड़ा थक भी गए हैं, और शायद वो जो बैचिंग प्लांट जो वहाँ पे है वहाँ से शायद दिख जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को नीचे जाके दिखाऊंगा कैसे वहाँ पे बन रहा है। चलिए दोस्तों तो हम लोग बैचिंग प्लांट के पास आ चुके हैं, ये बैचिंग प्लांट एस्पेलवे के लिए ही बनाया गया है, एस्पेलवे में जो काम चल रहा है उसी के लिए बनाया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग बैचिंग प्लांट के पास फाइनली पहुँच चुके हैं, एक बार मैं आप लोगों को पूरा डैम का लोकेशन दिखाता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों को नीचे लेके चलता हूँ जहाँ पे एस्पेलवे के लिए गेट बनाया गया है, देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों तो आप लोगों को मैं नीचे लेके चलता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ पे, अभी तो नीचे जाना बाकी है, और यहीं से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं यही है एस्पेलवे पुनासी डैम का, और यहीं से पुनासी डैम का जो ओवरफ्लो पानी होगा वो यहीं से निकलेगा। चलिए मैं आप लोगों को नीचे जाके दिखाता हूँ तो सही तरीके से आप लोगों को पता चल पाएगा। तो हम लोग नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, काफ़ी डाउन में है, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी डाउन में है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों धीरे धीरे पहुँचने वाले हैं, देख सकते हैं इधर जब पानी ओवरफ्लो हो जाएगा अपना सीडीएम का, तो यहीं पे कुछ अभी तो दरवाज़ा गिनती नहीं किए हैं दोस्तों, मैं गिन के आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे कितने दरवाज़ा है। चलिए दोस्तों तो हम लोग वहाँ पे आप पहुँच चुके हैं, और शायद मैं गिन के बताता हूँ आप लोगों को कि कितने यहाँ पे गेट लग जाएगा फाइनल होने के बाद। तो आप देख सकते हैं दोस्तों गिनती में कितना टोटल दरवाज़ा है, तो टोटल लगा के 12 दरवाज़ा है दोस्तों। चलिए मैं थोड़ा और आप लोगों को नज़दीक जाकर दिखाता हूँ, शायद अभी काम भी चल रहा है यहाँ पे एस्पेलवे का, जोरों शोरों से काम चल रहा है दोस्तों, और शायद लगता है कि नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो हम लोग पहुँच ही गए हैं, देख लीजिए कितने बड़े बड़े दरवाज़ा बन रहे हैं यहाँ पे एस्पेलवे डिवीज़न का हमारी पुनासी टीम के लिए, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और मैं इसकी पीसी भी लेके मैं आप लोगों को चलूँगा कि इसके पैक में जहाँ से जब पानी निकलेगी तो कहाँ तक जाएगी ये पानी, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। चलिए मीलर भी यहाँ पे चल रहा है और कुछ वर्कर लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को गेट के पीछे लेके चलता हूँ, जो दरवाज़ा जो बन रहा है इसके मैं पीछे लेके चलता हूँ, और पीछे से आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ। तो दोस्तों जहाँ पे गेट बना है मैं वहाँ पे खड़े होकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और मैं आप लोगों को नीचे जाके भी दिखाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में, और मैं आप लोगों को पीछे जाके अच्छी तरह से दिखाऊंगा बैक साइड से, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों देखने में, और जब यहाँ से जब पानी निकलेगा तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा देखने में दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए ये बैक साइड हो गया एस्पेलवे का, ये मैं बैक से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पीछे से दिखा रहा हूँ दोस्तों, आगे का पोजीशन तो मैं आप लोगों को पहले दिखा चुका हूँ, और ये पीछे का पोजीशन है दोस्तों आप सब देख सकते हैं, बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा बनाया गया है, और अभी तो दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एस्पेलवे का जो पानी निकलेगा, तो दोस्तों आप लोगों को कुछ शायद दिखाई पड़ रहा होगा कि वहाँ पे कुछ मट्टी कटिंग नहीं किया गया है, तो वहाँ पे क्यों कटिंग नहीं किया गया है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। वहाँ पे लग रहा है जैसे वहाँ पे कोई मंदिर है, और एस्पेलवे डिवीज़न का जो है ब्रिज नहीं, शायद कोई मंदिर दिखाई पड़ रहा होगा वहाँ पे, तो वहीं पे अभी तक स्थित है, और अभी तक वहाँ का मट्टी कटिंग नहीं हुआ है दोस्तों, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये शायद बनाया गया है पानी का प्रेशर तोड़ने के लिए, अभी तो फाइनल नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तो काम चल ही रहा है, क्योंकि दोस्तों जब एस्पेलवे का जब गेट खुला जाएगा तो बहुत काफ़ी तेज़ी से पानी का प्रेशर आएगा, और यहाँ से जब गेट खुलेगा दोस्तों तो काफ़ी तेज़ी से प्रेशर आएगा पानी का, और वो प्रेशर ही तोड़ने के लिए यहाँ पे बनाया गया है, थोड़ा यहाँ पे पानी भी स्टॉक है दोस्तों, और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को इसी तरह वीडियो पे आप लोग अपडेट रहिए, मैं आप लोगों को सारा अपडेट पुनासी डैम का मैं देती रहूँगा।